तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। तो आप जब भी गेम खेलते होंगे तो आपका जो डिवाइस है बीच बीच में कभी ना कभी लैग कर जाता होगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है आप जब भी गेम खेलते होंगे, जैसे कि आप लोग रैंक खेल रहे हो, तो जब जैसे कि रैंक पुश कर रहे हो तो तब भी जो है हम लोगों का जो डिवाइस है तब भी लैग कर जाता है। कोई सा भी डिवाइस हो, जैसे कि वो 2 GB रैम वाला फ़ोन, 4 GB रैम वाला फ़ोन, 6 GB रैम वाला फ़ोन, और जो हाई डिवाइस रैम वाले फ़ोन है जैसे कि 6 GB रैम और 8 GB रैम वाला जो फ़ोन है, तो ये भी जो है गाइस कभी ना कभी बीच में भी यानी कि लैग कर जाते हैं। और कभी कभी गाइस ऐसा भी होता है कि आप लोगों को जो है अपने गेम के अंदर नेटवर्क कनेक्शन भी इशू का देखने को मिलता है, यानी कि नेटवर्क एरर का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गेम नहीं खेल पाते। तो इन सब प्रॉब्लम का क्या सलूशन है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज के इस न्यू वीडियो में। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को कर देना लाइक। चैनल पर नहीं आ रहे तो चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपको नेटवर्क कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम जैसे ही गेम के अंदर देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल देना है 4 या 3 सेकंड के लिए। तो जैसे कि मैंने ये फ्लाइट मोड यहाँ पर डाल दिया है, अब उसके बाद मैं यहाँ से फ्लाइट मोड से हटा देता हूँ। इसे करने से गाइस क्या होगा कि गाइस आप लोगों को अपने गेम के अंदर नेटवर्क कनेक्शन एरर की जो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत कम देखने को मिलेगी। और गाइस अगर आपके फ़ोन में यानी कि इंटरनेट है और आपका नेट जो है बढ़िया चल रहा है, और गाइस कभी कभी कभार ऐसा भी होता है जो है गाइस बीच बीच में जो है गेम के अंदर जो है नेटवर्क कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम जो है तब भी देखने को मिल जाती है, तो आपको क्या करना है सेटिंग्स में जाना है फ्री फायर मैक्स में, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिपोर्ट कनेक्शन इशू, और उसके आगे दिख रहा होगा सेंड रिपोर्ट, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि गाइस अगर गरीना की तरफ से अगर कोई ग्लिच होगा नेटवर्क कनेक्शन एरर का, तो गरीना जो है नेटवर्क इशू की जो प्रॉब्लम है गरीना को जो है सॉल्व कर देगा। अगर काफ़ी लोग अगर रिपोर्ट नेटवर्क इश्यू पे अगर सेंड रिपोर्ट अगर करते हैं तो ज़्यादातर बंदे। अब बात कर लेते हैं हाउ टू सॉल्व लैग प्रॉब्लम इन फ्री फायर मैक्स, यानी कि लैग प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, तो मैं सेटिंग्स में आ गया। उसके बाद आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद अगर आपका फ़ोन अगर 2 GB रैम वाला है तो स्मूथ पे कर लेना, अगर 3 GB रैम वाला अगर फ़ोन है तो आपको स्टैंडर्ड कर लेना, 2 या 3 GB रैम वाला फ़ोन है तो स्टैंडर्ड पे रख के भी खेल सकते हो। तो ये इनसे क्या होगा कि जैसे आपका जो डिवाइस ज़्यादा लैग करता था तो वो अब कम लैग करने लगेगा। अगर 4 GB रैम वाला फ़ोन है तो अल्ट्रा पर भी रख के खेल सकते हो, अगर 6 GB रैम वाला फ़ोन हो तो तब भी अल्ट्रा पर रख के खेल सकते हो, अगर 8 GB रैम वाला फ़ोन हो तो मैक्स पे भी रख के खेल लेना आप लोग। तो यही कुछ सेटिंग्स है जो कि मैंने आप लोगों को बता दे, तो ये सब सेटिंग्स आप लोग कर लेना, इससे आप लोगों का जो डिवाइस है पहले जो ज़्यादा लैग करता था वो अब कम लैग करने लगेगा। और लो एंड डिवाइस वालों की मैं कुछ और भी प्रॉब्लम बता देता हूँ जो कि गलतियाँ करते हैं लो एंड डिवाइस वाले। तो जैसे अगर आपके फ़ोन में 2 GB रैम या 3 GB रैम वाला फ़ोन है तो आप लोग गाइस पता क्या करते हो, आपका जो फ़ोन का जो स्टोरेज होता है तो आप पता क्या करते हो, आपका जो फ़ोन का जो स्टोरेज होता है उसको कुछ ज़्यादा फुल कर देते हो, जिसकी वजह से आपका जो डिवाइस है लैग भी होता है और आप लोगों का गेम भी ठीक से नहीं चलता। और अगर आपके फ़ोन में अगर 32 GB स्टोरेज है तो आपको उसको ज़्यादा फुल नहीं रखना है, उसको कम से कम आप लोग जो है आपको अपने फ़ोन में अपने फ़ोन का जो स्टोरेज है उसको 15% मतलब 20% अपने स्टोरेज को खाली रखना है। तो इससे मेरा क्या मतलब है कि आपको जो है स्टोरेज कितने तक फुल करके रखनी है, 32 GB स्टोरेज है तो उसमें आपको जो है 15 GB 16 GB तक फुल करके रख सकते हैं। 32 GB आप लोग कभी भी फुल मत करना तो वरना लैग होएगा आपका फ़ोन। और अगर आपके फ़ोन में अगर 64 GB स्टोरेज है तो उसमें आपको जो है कितना फुल करके रखना है, तो उसमें आप जो है 35 तक स्टोरेज फुल करके रख सकते हो, 64 GB कभी फुल मत करना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ़ोन की स्टोरेज को गाइस आप लोग जो है खाली रखा करो, इससे क्या होगा कि आपका जो डिवाइस है गाइस लैग भी नहीं करता, बढ़िया भी चलता है। दूसरा रीज़न क्या है आपका फ़ोन का लैग होने का, तो उसका रीज़न ये है कि आप लोग जो है गाइस अपने फ़ोन को रीस्टार्ट नहीं करते कभी भी। जब आप लोग रीस्टार्ट नहीं करते अपने फ़ोन को तो आपका फ़ोन जो है लैग होने लगता है, तो आपको जो है गाइस हफ्ते में 1 या 2 बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। रिस्टार्ट करने से करना चाहिए गाइस आपको अपने फ़ोन का जो पावर बटन होता है उसको कुछ सेकंड्स तक दबाए रखना, फिर आपको जो है गाइस रिबूट या रिस्टार्ट आता होगा आपके फ़ोन में, तो रिस्टार्ट जैसे आता है उस पर क्लिक कर दो, आपका जो है फ़ोन रिस्टार्ट जैसे आप लोग करोगे तो आपका फ़ोन जो है कुछ सेकंड्स तक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका जो स्विच ऑन हो जाएगा अपने आप। रिस्टार्ट करने से क्या होता है गाइस आपका जो फ़ोन है बिल्कुल फ्रेश महसूस करता है, यानी कि बिल्कुल ताज़ा, यानी कि गाइस जो कई हफ्तों से जो ऐप जो अभी चल रही है रनिंग कर रहे हैं तो रिस्टार्ट करने से हो गया कि गाइस आपका जो ऐप है दोबारा से यानी कि रिस्टार्ट हो जाएंगे सारे ऐप्स वगैरह, तो दोबारा से फिर काम करेंगे अच्छी तरीके से, और आपका जो गेम है गेम भी आपका अच्छी तरीके से चलेगा, लैग भी नहीं करेगा आपका डिवाइस है। और गाइस अगर आप लोग अगर अपने फ़ोन को नॉर्मल भी यूज़ करते हो तो तब भी गाइस आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना चाहिए।
मैं आपको लास्ट सेटिंग्स बताता हूँ। तो सेटिंग्स में आपको आ जाना बेसिक वाले सेटिंग्स में, उसके नीचे जाना है ब्राउज़र, आपको दिख रहा होगा ब्राउज़र के आगे दिख रहा होगा क्लियर कैच। क्लियर कैच भी वैसे आप लोग हर हफ्ते कर लिया करो, दो से या तीन बार आपको क्लियर कैच करना है, डेली भी आप लोग कर सकते हो क्लियर कैच। तो इससे गाइस आपको भी थोड़ा फ़ोन को फ़ायदा होगा। तो बस गाइस यही कुछ सेटिंग्स थी जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना आप लोग लाइक, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को गाइस आप लोग कर लेना सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करना और शेयर भी करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास से। नीचे कमेंट जरूर करना अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।